जम्मू कश्मीर में सीमा पार से पड़ोसी मुल्क की तरफ से हो रही गोलीबारी से वहां रह रहे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेकार बना रहे, कहीं स्लैंड लगाया गया, कहीं उधर लगाया, कोई किसी का नहीं है। जो लोग इकट्ठा करके गरीब लोगों को ला रहे हैं, इनका कोई मतलब नहीं है महकमे का। अफसर आते हैं, फोटो खींचते हैं, हमारी चल जा रहे हैं, बस यही चीज़ है इनकी। पता था फायर होने, इनको पहले सुबह बताना था लोगों को निकल जाओ घर से। इसलिए इतने दिनों से फायरिंग हो रही है, हुआ फायर दो दिन पहले हुआ, इन्होंने पहले किसी को नहीं बताया कि फायर होना। तो वही इस मामले पर एसपी का कुछ ये कहना है। को सांबा सेक्टर में सबसे पहले सीज फायर वायलेशन किया पाकिस्तान ने, उसके बाद वो अरनिया के सेक्टर में भी बढ़ गया, और सुबह से हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और सुबह से पाकिस्तान की तरफ से सिविल एरिया में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग की जा रही है। हम लोगों ने बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और बाकी जो भी रेस्क्यू टीम्स हैं हमारी, वो सुबह से भी जहाँ जहाँ से हमें खबर मिल रही है कि वहाँ पे लोगों को कोई डिस्ट्रेस है या किसी को शिफ्ट करना है, तो लोगों को यहाँ से सेफर जगह पे इवैक्यूएट कर रहे हैं। कितने लोगों को अभी तक भेजा है? मुझे लगता है कि अरनिया टाउन इस वक्त तक 80% के आसपास खाली हो गया है, और बाकी आसपास के गांवों में भी लोग जो हैं सेफर। बताते चले आपको कि पड़ोसी मुल्क की तरफ से रमजान के पाक महीने में फिर से जम्मू के जिले कठुआ और सांबा में जमकर गोलीबारी की। इस गोलीबारी में 8 साल के मासूम की मौत होने के साथ साथ 6 लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।